अच्छा लाइन भाई बीटो हैंग लाइन भाई क्या भाषा बोली वो आगन से सुनी है मुख जबान सिस्टम हमने निकाल चुके हैं और भविष्य में भी हमको फ्लोर देने इसीलिए गाटू रेलवे का हमने व्यवस्था की है। कुछ आप लोगों के द्वारा शिकायतें आई उस शिकायतों का निवारण करने के लिए जिला कलेक्टर महोदय आयुक्त ने ये कहा है हम उसका निवारण करके आप लौटी हम सर हम जिला कलेक्टर से मिल के आए वो कह रहे मेरे पास की कोई नॉलेज ही नहीं है। कौन जिला कलेक्टर पता नहीं मेरे को तो कल आपके सामने आयुक्त से बात करवाई ना आयुक्त सर तो आपके सामने कलेक्टर से दोनों बात करवाई ना मैंने कलेक्टर साहब से बात की ना कलेक्टर साहब से हम अभी सब मिल के आए आप मिल के आए हैं तो मैं और कलेक्टर साहब को बात करना है तो मैं जाके कर लूंगा और जाए जो लेटर आपके जिला जिन्होंने दिया है उसकी जांच करना इनका अधिकारियों का काम है वो जांच और इसके बाद सुनो इसके बाद सबको लोटी देने के लिए हमने निकाले तारीख हमने घोषित की इस तारीख पे मिलेगा नहीं मिलेगा यार मिलेगा नहीं मिलेगा ये अधिकारियों का काम है ये तो बात भाई ये तो बात ही नहीं करते ये मामला गाडोले लवारों को निःशुल्क भूमि आवंटन का राजस्थान सरकार का प्रावधान है। ये करीब 15 साल से नगर परिषद के हम चक्कर पे चक्कर निकाल रहे हैं जो भी आयुक्त आ रहा है वो हमें गुमराह करता जा रहा है और कलेक्टर से मिलते हैं तो कलेक्टर इनको बार बार फोन करके ये कह रहा है कि इनको भूमि आवंटन कर दो। इस बार भी 15/6/2018 को गाडोले लवारों को निःशुल्क भूखंड आवंटन करने की एक विज्ञप्ति जारी की गई मगर आयुक्त को किसी एक शराबी तत्व ने ये आपत्ति जताई है कि ये फर्जी है उसके ऊपर ये आयुक्त एक्शन लेके और सभी गाडोले लवारों को जो लॉटरी निकल रही थी वो बार बार रोकने की धमकी दे रहा है और नहीं ये उस लॉटरी में निकाल रहे हैं। इस कारण ये सभी गाडोले लवार आयुक्त साहब से ज्ञापन देने के ये आए थे मगर आयुक्त साहब ने इन औरतों को लेडीजों को ये शब्द कहे कि तुम तो नेतागिरी करने के लिए इधर आई हो आपके कुछ काम है नहीं इसलिए इन नेताओं के साथ में तुम घूमते रहते हो और इनको उनकी अनसुनी बात सुन के और इनके से ऊपर से होके ये इनको धक्का मुक्की दे के और बाहर निकल गए और ऑफिस के ताला लगा के और ये सब लोग यहाँ पे इनका इंतजार कर रहे हैं। ये अपने इतनी कड़ी धूप के अंदर और नहीं अभी तक आयुक्त ने जहाँ गाडोले लवारों की भूमि आवंटन हो रही है वहाँ पर जाके देखा है कि किस तरह से ये लोग बैठे हैं और किस तरह ये अतिक्रमण पड़ा है। अतिक्रमण होते हुए भी इस आयुक्त ने अपने मन मर्जी से लॉटरी निकालने की तारीख निश्चित कर दी और नहीं उधर कोई किसी प्रकार का कार्य हो रहा है और ये दान लेकर के चुपचाप ये कार्य को यहाँ बैठे इस तरह की ठप करने की कोशिश कर रहे हैं। मारा नाम पार्वती है प्लॉट हमारा 35 साल हुआ झगड़ता ने प्लॉट को आदेश दिया जयपुर दिल्ली में आदेश लाया 35 साल हुआ झगड़ा कोई आज ऐसे आया तो मुझ पा उठ जाया कलेक्टर गया कने गया पसा उठे आया इन साहब ने बात की कोई हमारी को थम सब झूठे हो
अधिक साल न कर अधिक साल झूठा है तब से सब झूठे झूठो आया मोर रह भूमि ही न मोर रहने नहीं मोर प्लॉट नहीं है तो मोर आगे मुकर हुआ तो क्यों आप आड़ी गरीब आड़ी देता हो तो मोरी कोई सहायता करो तो अमारा हमारा हमारा दिल साफ देता थारा भगवान देला तो ठीक है कि मारा मतलू से आया वापस हो मुकर हुआ तो आप क्यों आड़ी देता हो तो तुम्हारा मोरा दियो तो गरीब मारा भला करो तो मोरा रहने नहीं है मोरा भूमि मोरा खेत नहीं वाड़ी नहीं मोरा प्लॉट नहीं मैं किसके बात रहा कटे रहो मैं आवा तो मेरी कोई बात मोरा सुनता ही नहीं है। अब सर आप सब की आप सर मन दे के सब झूठा हो गए अभी हमला हमला कर रहा है धक्का दिया धक्का भी जा देना आप सले गया क्या करो दुकान नेतागिरी करो थे अध्यक्ष ने कहा अध्यक्ष झूठो है जब हम झूठागिरी करता है तब सब झूठे हो और अभी झूठे हो तो मैं फोड़ा क्या खाता धक्का खाता 35 साल हुआ धक्का खावट है तब दिल्ली जाए आया सीतूर जाए आया जयपुर जाए आया हमारी फिर उठो ऑर्डर लावा अठे आठे कोई बात नहीं सुना कलेक्टर कहना जाए आवा।